नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ। बिल्कुल अभी अभी रिक्रूटमेंट आई है रेगुलर टीचर्स की, PGT टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। इसमें वैकेंसियां पॉलिटिकल साइंस की हैं, मैथ, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है। बिल्कुल रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन मोड में आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 7/7/2020। तो ठीक है दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। सारी जानकारी आपको इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई भी क्वेरी बाकी न रहे इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। देखिए, ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। बिल्कुल अभी अभी 1/6/2020 को ये विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। ऐसे समय में रिक्रूटमेंट निकलना अपने आप में बड़ी बात है, वो भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट, चाहे छोटी ही रिक्रूटमेंट क्यों ना हो। तो इससे उम्मीद जगती है कि हमें आगे भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है। सबसे पहले हम वैकेंसियों की डिटेल ही देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की टोटल पोस्ट है 7, मैथमेटिक्स की पोस्ट 1, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की 1, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की 1, ज्योतिष की 6, यजुर्वेद की 3, सामान्य दर्शन की 1, जैन दर्शन की 1 और न्याय दर्शन की 1 वैकेंसी इसमें शामिल है। वैकेंसियां कम है पर रेगुलर बेसिस की है, कोई भी कहीं से इनके लिए आवेदन कर सकता है। जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, वो भी अब हम देख लेते हैं। ये देखिए शैक्षणिक योग्यता, क्रम संख्या 1 से 3 तक राजनीतिक विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 48% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। इसके बाद क्रम संख्या 4 से 9 धर्मशास्त्र, ज्योतिष, यजुर्वेद, सामान्य दर्शन, जैन दर्शन और न्याय दर्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये देखिए शास्त्री और इक्विलियंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री और इक्विलियंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विलियंट वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये इनके लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं। अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो फिर आप आगे वीडियो को देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ देखिए एक और अच्छी बात, उक्त पद की उपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। और जहां तक एज लिमिट की बात है, मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 40 साल, कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट में आपको छूट भी मिल जाएगी। और जहां तक पे स्केल की बात है, पे मैट्रिक्स L12 आपको इसमें मिल जाएगा, बढ़िया सैलरी आपको मिलने वाली है। अब देख लेते हैं आयु सीमा में छूट का प्रावधान, अभ्यर्थियों का यह वर्ग है और ये अधिकतम आयु में दे छूट है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला के लिए अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है और अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान भी यहां दिए गए हैं। इनसे अलग अगर आप और किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको यहां छूट दी जा रही है। इसके बाद चयन प्रक्रिया देखिए, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिला संभागीय मुख्यालय पर आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी तिथि यथाशीघ्र घोषित कर दी जाएगी।
परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग के स्वविवेक पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केंद्रों का आवंटन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन भी कर सकता है। आवेदन की अवधि देखिए 8/6/2020 से 7/7/2020 रात्रि 12 बजे तक आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कहाँ जाके करना है, आवेदन आप कर सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in, यहाँ पे जाके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है RPSC की, यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। पहली बात, जब भी आप आवेदन करें तो बिल्कुल ध्यान से आप एक एक डिटेल एंटर करें। अगर फिर भी आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, पर त्रुटि ठीक करने के लिए आपको ₹300 की फीस जमा करानी होगी। तो आपको ₹300 न देना पड़े तो इससे अच्छा है कि आप आवेदन करते वक्त ही ध्यान रखें और एक एक डिटेल अपनी क्रॉस चेक करके और फिर भरें। ये देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 देकर ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशानुसार कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। इसके बाद देख लेते हैं परीक्षा शुल्क। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए ₹350, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹250, समस्त निःशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदकों हेतु ₹150 एप्लीकेशन फीस इसमें निर्धारित की गई है। इसके बाद आगे देखिए, TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले के किशनगढ़ और शाहबाद तहसील राजस्थान के सहरिया जनजाति हेतु भी परीक्षा शुल्क ₹150 होगा। इसके बाद आगे डिटेल देखिए, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना होगा। तो ये देख लीजिए, ये पॉइंट बिल्कुल बोल्ड करके दे रखा है। अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको एज अ जर्नल या अनरिजर्व्ड कैंडिडेट ही इनके लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद स्कीम एंड सिलेबस दिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 450 नंबर का होगा, दो पार्ट में होंगे, दो पेपर होंगे। पेपर वन आपका 150 नंबर का होगा और पेपर टू जो है वो आपका 300 नंबर का होगा। पेपर वन की जो ड्यूरेशन है वो है आपकी 1.5 घंटे की और पेपर टू की जो ड्यूरेशन है वो होगी आपकी 3 घंटे की। मल्टीपल चॉइस के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर वन का सिलेबस यहाँ दे दिया गया है, पेपर टू का सिलेबस यहाँ दे दिया गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पेपर वन जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज से जुड़ा हुआ है जो कि 1.5 घंटे का है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। जर्नल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 75 क्वेश्चन 150 नंबर के। उसके बाद पेपर टू जो आपका सब्जेक्ट कंसर्नड है जो कि 3 घंटे का है, तो उसमें आपसे पूछे जाएंगे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न 55 क्वेश्चन 110 नंबर के। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न शास्त्री लेवल 55 क्वेश्चन 110 नंबर के। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न आचार्य लेवल के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 300 नंबर के। ऊपर यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई थी संस्कृत सब्जेक्ट्स की। संस्कृत सब्जेक्ट्स के अलग 3 जो सब्जेक्ट बच गए हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मैथ,
उनमें कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल से 55 क्वेश्चन 110 नंबर के, ग्रेजुएशन लेवल से 55 क्वेश्चन 110 नंबर के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, और एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग से 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको प्रोवाइड करा दी गई है वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपकी कोई क्वेरी बाकी हो, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।